दोस्तों कुछ दिन पहले सैमसंग ने इंडिया मार्केट में लॉन्च करा था सैमसंग गैलेक्सी A52 के 4G वेरिएंट को। अब दोस्तों सैमसंग तैयार है सैमसंग गैलेक्सी A52 के 5G वेरिएंट को इंडिया मार्केट में लॉन्च करने के लिए। एंड दोस्तों ऐसा कंफर्म हो चुका है कि सैमसंग गैलेक्सी A52 का 5G वेरिएंट जो है इंडिया मार्केट में बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है, क्योंकि इसका जो सपोर्ट पेज जो वो लाइव हो चुका है सैमसंग इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपसे बात करने जा रहा हूं सैमसंग गैलेक्सी A52 5G वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन के बारे में, इसकी प्राइसिंग क्या होगी इंडियन मार्केट में वो भी बताऊंगा, एंड हां इंडियन मार्केट में कब लॉन्च करा जाएगा वो भी बताऊंगा, एंड यही बताऊंगा कि आपको इस फोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं। इन टोटल सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूं, तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो हाय गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे सैमसंग गैलेक्सी A52 5G वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेता हूं। तो दोस्तों इस फोन में आपको 6.5 इंच का एक फुल एचडी प्लस वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों सैमसंग का डिस्प्ले तो इसमें कुछ कहा ही नहीं जा सकता है, थम्स अप मिलता है यहां पे। यहां पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिया जाएगा, एंड हां ये स्मार्टफोन जो 800 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पे सामने की तरफ आपको इन्फिनिटी ओ स्टाइलिंग में डिस्प्ले देखने को मिलेगा, पंचोल बोल लीजिए सैमसंग की भाषा में इन्फिनिटी ओ, जहाँ पे आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया। अब दोस्तों इस सेल्फी कैमरा की मदद से आप 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे, एंड 1080p वीडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हैं 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे। बैक की तरफ आपको क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे जो प्राइमरी कैमरा है वहाँ पे यूज करा गया 64 मेगापिक्सल का कैमरा, सेकेंडरी कैमरा दिया गया है 12 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आएगा, थर्ड एंड फोर्थ कैमरा जो है 5-5 मेगापिक्सल का दिया गया है। यहाँ पे 2-2 मेगापिक्सल का गेम नहीं खेला गया, यहाँ पे सैमसंग रियली में 5-5 मेगापिक्सल का प्रोवाइड कर रहा है, जहाँ पे आप पोर्ट्रेट और मैक्रो शॉट्स क्लिक कर सकते हैं। अब दोस्तों इसकी बैक कैमरा की मदद से आप 4K वीडियो को 30 फ्रेम्स पर सेकंड पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड 60 फ्रेम्स पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं 1080p वीडियो, एंड हाँ 30 फ्रेम्स पर भी 1080p वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बहुत अच्छा यहाँ पे कैमरा एलाइनमेंट दिया गया है। 4500mAh की बैटरी दी गई है जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा, एंड दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है 25W के चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट ऐसा बोला जा रहा है कि जब ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होगा तो यहाँ पे आपको 15W का ही फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा इन द बॉक्स। मतलब 25W का सपोर्ट तो करेगा स्मार्टफोन जो है, बट वहाँ पे आपको 15W का चार्जर ही बॉक्स में देखने को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे चिपसेट की बात करते हो, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्वालकॉम की तरफ से क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 750G। जी हाँ, ये एक 5G चिपसेट है, यहाँ पर रिस्पेक्टेड चिपसेट यूज करा गया है, जी वाला 750G यूज करा गया है। अब दोस्तों देखिए ये जो स्नैपड्रैगन 750G है, हाँ आप देखिएगा तो यहाँ पे मी 10i में भी वही यूज करा गया है जो कि 21-22 हज़ार का मिलता है, बट देखिए यहाँ पे ये सैमसंग है, इसकी प्राइस 21-22 हज़ार नहीं होगी, इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई होने वाली है, और जितने स्पेक्स ये प्रोवाइड कर उतना Xiaomi Mi 10i में प्रोवाइड नहीं करता है। तो दोनों को कंपेयर मत करने लगेगा कि इसमें भी स्नैपड्रैगन 750G है, उसमें भी स्नैपड्रैगन 750G है, बहुत सारी चीज़ें जो इसमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं हमें। दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा डिस्प्ले यूज़ करा गया है तो उसका यहाँ पे यूज़ करा गया, और यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैन भी देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, एंड दोस्तों यहाँ पे आपको स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाएगा, तो जो मीडिया कंज्यूम करते हैं या फिर जो गेमिंग करते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है। अब दोस्तों इस फोन में आपको IP67 का भी रेटिंग दिया गया है, तो आप इस फोन को पानी की गहराई में 1 मीटर अंदर तक 30 मिनट तक रख सकते हैं, इस फोन को कुछ नहीं होगा, मतलब वाटरप्रूफ फोन है। ये स्मार्टफोन जो है 1UI 3.1 पे बेस्ड होगा जो कि एंड्रॉइड 11 पे रन करेगा। ये तो होगा इसकी पूरी की पूरी स्पेसिफिकेशन की कहानी। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इसके और प्राइसिंग, इसकी प्राइस क्या होने वाली है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों देखिए जो सैमसंग गैलेक्सी A52 का 4G वेरिएंट है उसका प्राइस है बेस वेरिएंट का 6+128 के साथ में आता है, इसका प्राइस रखा गया 26,500 रुपये। अब दोस्तों ये जो 5G वेरिएंट है इंडिया में आएगा तो आप अप्रॉक्स मानकर चलिए कि 29 या 30 हज़ार रुपये इसका बेस वेरिएंट का प्राइसिंग होने वाला है। जी हाँ, जो कि आएगा 6+128 के साथ में, बट इसका प्राइसिंग जो होगा अप्रॉक्स 29 या 30 हज़ार होने वाले, मानकर चलिए 30 हज़ार से इसका स्टार्टिंग होगा, फिर आगे फर्दर जाएगा 8+128 है और 8+256 ऐसा देखने को आपको मिलेंगे वेरियंट्स भी। तो ये इसके प्राइसिंग ये ऐसे कुछ होने वाले हैं। अब दोस्तों हम इसके लॉन्च की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका सपोर्ट पेज जो है लाइव हो चुका है सैमसंग इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो सॉरी तो इससे ये बात कंफर्म होता है कि हाँ कोरोना नहीं हुआ है मुझे, ठीक है ना, जस्ट ऐसे खांसी आ गया था बीच में, तो प्लीज़ नहीं कमेंट मत करने लगा कि कोरोना वायरस को कुछ नहीं। तो हाँ दोस्तों, तो लॉन्च की बात करें तो जैसा कि यहाँ पे सपोर्ट पे लाइव हो चुका है तो बहुत जल्द हमें स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है, ऐसा बोला जा रहा है कि स्मार्टफोन इसी मंथ के एंड में आपको देखने को मिलेगा, एंड कंफर्म इसी मंथ में ही हमें देखने को मिलेगा। तो वेट कर लीजिए, आपको होगा वेट कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन निकल कर आया, जो सैमसंग के फ़ैन है उनके लिए बहुत अच्छा डील होने वाला है, 30 हज़ार के अंदर मेरे ख्याल से सैमसंग का बेस्ट डिवाइस होने वाला है। तो बस यही जानकारी जो आपको देना चाहता था। तो बस दोस्तों फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो में, टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग, बाय बाय।